चौलाई ये बहुत ज्यादा गुणकारी है और इससे बना हुआ साग उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। आज हम बनाएंगे इसका साग, स्पेशल लाल चौलाई का साग जो सबको पसंद आएगा। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है, चौलाई बाजार में आने लगती है। दो तरह की चौलाई आती है, लाल और ग्रीन। जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए, दोनों ही बहुत ज्यादा टेस्टी और गुणकारी है। पहले उसे अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए, मोटी डंडियां हटा लीजिए और पत्ते ऐसे रख लीजिए और इन्हें फिर आप 2-3 बार अच्छे ज्यादा पानी में डुबा डुबा कर धोइए, डलिया में रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पानी सूखने तक सुखा लीजिए। तो ये चौलाई हमने धो कर सुखा कर ले ली है, वजन में 500 ग्राम। तो थोड़े से पत्ते निकाल लेंगे, बंच बना लेंगे इस तरीके से, और पहले उसे बीच में से काट कर दो में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से एक जैसा जोड़ लेंगे। और अब इसे बारीक काटते हैं। इसे आप बारीक बारीक काटिए, जितना बारीक काट लेंगे उतना अच्छा है। ये कट गई। इसे रांधने के लिए ले लिया है हमने कुकर। कुकर में इसे बनाए तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादा देर लगेगी। साग को डाल लिया। इसके लिए हमें तेल, घी अभी कुछ नहीं डालना है। ये 5 हरे मिर्च, बहुत बड़े नहीं है, छोटे ही साइज के हैं लेकिन तीखे हैं। और ये 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का। अदरक को ग्रेट कर लेंगे बारीक और मिर्च को बारीक काट लेंगे, या फिर आप इन दोनों को ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लीजिए। ये ग्रेटेड अदरक और ये बारीक कटे हुए हरे मिर्च। और ये इसमें आलन डालने के लिए लिया है हमने 1/4 का पाटा, 4 बड़े चम्मच। गेहूं का आटा है तो ये मैंने ले लिया प्याली में। इस आटे को घोल कर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाला और गुठलियां खत्म होने तक घोल लिया। गुठलियां खत्म होने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा और पानी और पतला सा घोल बनाते हैं। और अब इस आटे के घोल को इसमें डाल देंगे। 1 कप पानी में आटा घोल कर डाल दिया, 2 कप पानी और 1.5 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, तो पहले से ज्यादा नमक नहीं डालें। अब इसे अच्छे तरीके से मिला देते हैं। इस सब्जी को रांधने के लिए बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते, बस अदरक, हरी मिर्च और नमक। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है, पानी और डलेगा इसमें। 1 कप में आटा घोल कर डाला और 3 कप पानी और अब इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। कुकर का ढक्कन बंद, फ्लेम ऑन और 1 सीटी आने तक कुक कर लेते हैं। ये 2 टमाटर इन्हें काट लेते हैं। ये टमाटर हमने बीज हटाकर काटे हैं। ये बीज का बीच वाला पोर्शन हटा दिया है। कुकर में सीटी आ गई। जैसे ही कुकर में सीटी आ जाए फ्लेम को धीमा कर दीजिए और फिर इसे धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। बार बार सीटी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे हम धीमी गैस पर 5 मिनट पकाएंगे। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो गए। फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं इधर। ट्रेडिशनली साग के बन जाने के बाद इसमें हींग जीरे का तड़का लगा देते हैं और साग परोसने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम आपके स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बना रहे हैं। इसमें डाल रहे हैं घी में भुने हुए आलू। ये एक कढ़ाई ले ली और इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून घी। घी मेल्ट हो गया। ये 3 आलू उबले हुए ले लिए थे, 1 आलू के 4 टुकड़े करते हुए काट लिया। अब इन्हें घी में भूनेंगे। घी में भुने हुए आलू बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इस सब्जी को या तो आप घी में बनाइए या फिर सरसों के तेल में। आलू को अलट पलट कर चारों ओर से भूरा होने तक भून लेंगे। ये आलू भूनकर अच्छे लाल हो गए और इन्हें हमने तेज फ्लेम पर भूना है, क्योंकि उबाले हुए आलू थे। बस 2 मिनट लगे हैं इन्हें भूनने में, फटाफट भून गए हैं ये। और ये जो कढ़ाई में घी बचा है इससे बनाएंगे तड़का।
और इतनी देर में कुकर भी ठंडा हो गया है। तो ये देखिए साग की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और बहुत जल्दी बनके ये साग तैयार हो गया। अब इसमें लगाते हैं तड़का। तो कढ़ाई में ये घी तो था ही, पहले से गरम कर लेंगे। गरम घी में एक छोटी चम्मच जीरा डालते हैं और दो पिंच हींग। फ्लेम को कर देंगे धीमा ताकि मसाले जले ना। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो हींग थोड़ी सी ज्यादा डलती है। फ्लेम को कर देंगे धीमा ताकि मसाले जले ना। और इनको भून लिया हल्का सा। आप सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा सकते हैं, सब्जी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमने ये टमाटर काटे हैं, इसमें डाल रहे हैं, इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हल्का सा भूनेंगे इन्हें, बहुत ज़्यादा मैश होने तक कुक नहीं करना है। और दो हरी मिर्च इनमें थोड़ा सा चीरा लगा के ये भी डाल देते हैं। ये मिर्च इस तड़के के साथ भुनेंगी और बहुत टेस्टी हो जाएंगी। तो जिनको ज़्यादा तीखा चाहिए वो ये मिर्च खा सकते हैं। टमाटर हल्के हल्के कुक हो गए, इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इस तड़के को सब्जी में डालते हैं। अब इसे परोसते हैं। और ये घी में भुने आलू। भुने हुए आलू के साथ में लाल चौलाई की सब्जी बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। और ये चौलाई पूरे सर्दियों भर मिलती है। मदर नेचर ने इसे इसीलिए बनाया है कि आप इसे सर्दियों भर खाते रहें। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइस नान खताई, ये ग्लूटेन फ्री नान खताई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी की नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।